The batting average for 40 innings of a cricket player is 50 runs. His highest score exceeds his lowest score by 172 runs. If these two innings are excluded, the average of the remaining 38 innings is 48 runs. The highest score of the player is. So see, सबसे पहले क्या होते हैं, हमें क्या given है कि जिसका highest score है वो उसके lowest score से क्या है 172 exceed करता है. तो मैं बोलता हूँ, let's say lowest score क्या है, x के equal है. Lowest score is equal to x. तो अगर lowest score is equal to x है, तो highest कितना हो जाएगा? Highest is equal to कितना हो जाएगा, x plus 172 हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, लोएस्ट से 172 एक्सीड करता है. तो x plus 172. अपार्ट फ्रॉम दिस हमें क्या गिवन है कि उसका क्या गिवन है कि एवरेज ऑफ 40 इनिंग्स कितना है, 50 के इक्वल है. तो हमें गिवन है कि एवरेज ऑफ 40 इनिंग्स क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ 40 इनिंग्स इज इक्वल टू एवरेज ऑफ 40 इनिंग्स इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ स्कोर, सम ऑफ 40 इनिंग्स अपॉन 40, सम ऑफ 40 इनिंग्स अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में आएगा 40, सम ऑफ 40 इनिंग्स अपॉन 40. अब ये हमें गिवन है एवरेज कितना है, 50 के इक्वल है. तो सम ऑफ 40 इनिंग्स कितना हो जाएगा, तो सिग्मा 40, या फिर सम ऑफ 40 में क्या बोल सकता हूँ, इट इज इक्वल टू सम ऑफ 40 इज सम ऑफ 40 इनिंग्स. एवरेज इंटू 40 देगा 40 इंटू 50, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, 2000 रन्स. तो उसने क्या करा, 40 इनिंग्स में कितने रन बनाए, 2000 रन्स बनाए हैं. नाउ अब एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें ये भी गिवन है कि अगर हम दो फर्स्ट और लास्ट, मतलब लोएस्ट स्कोर और मैक्सिमम स्कोर वाली इनिंग को अगर हम एक्सक्लूड कर दे, तो 38 इनिंग का एवरेज कितना है, 48 रन्स. तो वाली केस भी ले लेते हैं हम, तो एवरेज ऑफ 38 इनिंग क्या है, एवरेज ऑफ 38 इनिंग्स, एवरेज ऑफ 38 इनिंग्स इट इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ 38 इनिंग्स, सम ऑफ 38 इनिंग्स अपॉन में क्या, टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स विच इज 38. तो एवरेज ऑफ 38 इनिंग्स कितना है, एवरेज ऑफ 38 इनिंग्स इज 48 रन. तो 48, तो सम ऑफ 38 इनिंग यहां से हम कॉन्क्लूड कर लेंगे, तो सम ऑफ 38 इज इक्वल टू सम ऑफ 38 इज इक्वल टू व्हाट, 38 इंटू 48, क्योंकि 48 उसका एवरेज है, टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है, 38 है. एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 1824, है ना. तो इतना इसने रन्स बनाए इतने 38 इनिंग्स में. अब अगर क्या बोलते हैं, हमने क्या करा है, तो हमने लोएस्ट और हाईएस्ट स्कोर वाली इनिंग एक्सक्लूड कर दी थी, तो उसने बाकी की जो दो इनिंग्स है उसमें कितने रन बनाए होंगे, जो उसने 40 इनिंग्स में रन बनाए थे और जो उसने 38 इनिंग्स में रन बनाए थे उसका डिफरेंस. तो स्कोर इन टू इनिंग्स कितना हो जाएगा, तो रन्स इन टू इनिंग्स, और वो टू इनिंग्स कौन सी है, लोएस्ट और हाईएस्ट स्कोर वाली. तो टू इनिंग्स में इसका स्कोर कितना हो जाएगा, हम उसके टोटल स्कोर में से, टोटल स्कोर कितना है उसका, 2000 रन, उसमें से क्या करेंगे, 38 इनिंग्स का स्कोर माइनस करेंगे, तो 2000 माइनस 1824 वैल्यू क्या जाएगी, सिंप्लीफाई करने पे इट इज इक्वल टू 176 रन्स. तो दो इनिंग्स का जो सम आया वो कितना आया, 176 आया. अब हमें क्या गिवन है कि ये जो सम होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, लोएस्ट और हाईएस्ट के इक्वल होना चाहिए. तो लोएस्ट स्कोर क्या है उसका, अगर एक्स है, इफ लोएस्ट स्कोर इज एक्स, है ना, प्लस हाईएस्ट स्कोर कितना है उसका, एक्स प्लस 172, क्योंकि 172 से एक्सीड कर रहा है, तो इन दोनों का सम होना चाहिए 176 के इक्वल. तो यहां से वैल्यू आएगी 2x प्लस 172 इज इक्वल टू 176. यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी, x इज इक्वल टू 2. तो जो हमारा क्या है, लोएस्ट स्कोर आया वो कितना आया, लोएस्ट स्कोर आया इक्वल टू 2. अगर लोएस्ट स्कोर इक्वल टू 2 है, लोएस्ट स्कोर, तो हाईएस्ट कितना हो जाएगा, क्योंकि x क्या है, लोएस्ट स्कोर के इक्वल है, दिस इज लोएस्ट स्कोर, क्योंकि हमने एज्यूम कर रहा था लोएस्ट स्कोर इज इक्वल टू x. तो हाईएस्ट कितना हो जाएगा, x प्लस 172, तो हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू, हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू 2 प्लस 172 व्हिच इज इक्वल टू 174 रन्स. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, हाईएस्ट स्कोर
by a batsman is 174 runs. So correct answer for this question is option D, 174 runs.